दागज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोथकी राम राम। फिलहाल जींद में हाँ और जींद में देवीलाल चौक के पास में हाँ बिल्कुल है। ये फाटक था भाई, उनको रास्ता था और ये रास्ता ही बंद कर दिया है। लोगों ने समस्या हो रही है, आसपास की दुकान थी इससे बहुत प्रभावित हुई है। तो महिलाएं हैं, महिला पुरुष किस तरह निकलने लग रही है इसका पटरी के ऊपर को, तो आपने दिखावांगे, देखिए तस्वीर देख सकते हैं। और आज धरना भी लगा रखा है, तो खापा प्रधान भी आ रहे हैं और भी बहुत से लोग पहुंच रहे हैं। तो किस तरह के निकलने लग रहे हैं आप एक बार देख लो। तो यह रेलवे लाइन आपने देखने लग रही है, बिल्कुल स्टेशन छोटा स्टेशन के पास में है। और ये महिलाएं किस तरह टपेगी वो आपने तस्वीर दिखावांगे, और जो बातचीत भी करांगे, खाप के प्रधान भी है, महावीर कंप्यूटर जी भी है, उनसे बातचीत करांगे कि आखिर के मामला है, कड़े तक के बात पहुँच रही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इस को संज्ञान में ले रहे हैं। और विधायक जी का भी बयान आया था कि कुछ लोग रास्ते के नाम पर राजनीति कर रहे, देखो किस तरह महिलाएं टप रही है, क्योंकि और रास्ता नहीं रहा उरों को निकलने का। तो ये फाटक था, ये फाटक भी बंद कर दिया है। और इस तरह रोहतक रोड, भिवानी रोड, रांसी रोड, कई रोड उरते निकले थे, तो कई प्रभावित तो होंगे और बहुत ज़्यादा समस्या बन रही है। बहुत सारा व्यापार भी लोगों का बंद हो गया, क्योंकि रेडी भी लग गया कर, दुकान भी होया कर दी, तो लगभग बहुत ज़्यादा समस्या बनी है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं प्रधान जी, क्या मामला है ये रेलवे फाटक वाला जो आज धरना दिया? भाई ये मामला ये है, ये तो जो अपने ताऊ देवीलाल का चौक कैसा में ये फाटक थी छोटा स्टेशन की, और यहाँ पूरा आना जाना था लोगों का। तीन रोड लगते हैं, रोहतक रोड, बिहानी रोड, रांसी रोड। और ये जो आने जाने का रास्ता था, ये फाटक बंद होने से क्या हुआ, ये जो जी इनका शहर का एरिया था ये कट गया, इनका व्यापार बंद हो गया, इनकी दुकान बंद हो गई है। और इन्होंने मांग करी है धरना देगी कि भाई यहाँ फाटक पर हमने बड़ा रास्ता नहीं चाहिए, बड़ी व्हीकल का रास्ता नहीं चाहिए, ऐसा रास्ता चाहिए जो हमारी महिलाएं यानी दो और तीन आदमी निकल सके, मोटरसाइकिल निकल सके, यही रास्ता मांगा है। क्योंकि जो अंडरपास बनाया है, ये इंजीनियर कौन इंजीनियर थे, अंडरपास जो फाटक के पास बनता है वहीं से शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है, ताकि वो दोनों तरफ कवर हो जाए। लेकिन अंडरपास तो बहुत दूर को गया, वहाँ रात को महिला नहीं जा सकती, कोई व्यापारी नहीं जा सकता, कोई दुकानदार नहीं जा सकता, वहाँ लूटपाट की बिल्कुल आशंका है, कोई प्रबंध नहीं, कोई पुलिस का प्रबंध नहीं है, ना लाइट है। इन लोगों की यह मांग है कि भाई हमारे को यहाँ रास्ता दिया जाए। और आज हम बुलाए थे और हमने जायज़ा लिया है पूरा जुगर, ये अभी आप आ रहे हो, जायज़ा लेके इनकी जायज़ मांग है। और इस मांग के साथ हम इनका पूरा पूरा साथ देंगे, क्योंकि जो कंप्यूटर महावीर है, यो इसने हमारा किसान आंदोलन में पूरा साथ दिया था। और हम जहाँ जहाँ अपराध हो रहे हैं, जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ सबका साथ देंगे। विधायक जी कह रहे हैं कि रास्तों पर राजनीति हो रही है। देखिए राजनीति, लोगों ने राजनीति दिखती है, बिला भाईरोई है ना, भाईरोई दिखे। ये जो लोग बैठे हैं, ये जो यहाँ का विधायक बैठे हैं, इससे तो अच्छा इन लोगों की गलती है, शहरवासियों की गलती है, एक डड़ा दर दिंदे उस पर एक विधायक लिख देते और डड़ा काम कर देता। लेकिन यू जो विधायक है, किसान आंदोलन ने भी तोड़ना चाहो था, बंदूक दिखाना चाहो था, लेकिन माफ़ी मांग गया, लोगों ने माफ़ कर दिए। ये जनता माफ़ नहीं करेगी इन्हें, क्यों, यहाँ शहर का मसला आ गया। और हमारे भी सारे आदमी हैं, मंदिर है, शमशान घाट है, मलखंडी में ये बहुत पुराना धाम है, इन्हें तो रास्ता ही बंद कर दिया। और यहाँ एक और लगाया था, बता रही थी कविता भाई, चक्री लगाई थी, वह भी तोड़ ली, तोड़ के घेर दी। आप मौका देखिए, यहाँ बुजुर्ग महिला, लेकिन तो यहीं गए और कोई रास्ता ही नहीं, रेल तड़ा कटियो चाहे मरियो। ये सरकार की जिम्मेवारी है, विधायक की जिम्मेवारी है कि जनता के बीच में आए, इनको समझाए और इनका जो मांग हुआ माने। शहर का रास्ता ब्यूरो को बताया गया प्रधान जी, जो शमशान घाट है उसका रास्ता इसी साइड को जाओ, दो भाग बन गए जी इनके, शहर का इसी रास्ता हो तो रास्ता था ही नहीं, हो तो अंडर पास राम भर जाएगा, पानी का भर जाएगा, हमारे जो मुर्दे हैं दफनावांगे कहाँ। इस सरकार ने तो ये ही नहीं बेरा, मौत क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, तो बस लूट खाट, लठ मारना, मुकदमे करना, इस सरकार का कुछ नहीं पल रहा है। ये लाला लोग थे हमारे, ये भी रोड़ा में बिठाए दिए, जो करके खानी आदमी थे बेचारे, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, ये भी बिठा दिए। तो क्या कुछ फैसला रहा प्रधान? अभी फैसला 20 तारीख अल्टीमेटम दिया है, तो 20 तारीख बात कर ले सरकार प्रशासन, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा यहाँ इस जगह। और जो आंदोलनकारी करेंगे वो चाहे लाठीचार्ज करियो, वो सरकार की मर्जी। बहुत बंद का फैसला ले इसको प्रधान जी, हैं शहर बंद करने का, सर कुछ भी फैसला हो सकता है, कमेटी बैठेगी और वहाँ बुलाए हम, कमेटी बैठेगी, कोई भी फैसला हो सकता है, क्योंकि पूरा शहर आक्रोश में है।
धन्यवाद। कविता जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज का ये मामला था, धरना प्रदर्शन था? देखिए, मामला तो बड़ा संगीन है ये, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है भाई यहाँ जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको बाधित करना चाहती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो मेरा गवर्नमेंट से ये है, आपने इस रास्ते को बंद कर दिया, इसके साथ साथ आपने जो अंडरपास बनाया उसमें क्या सुविधा दी आपने? यहाँ बारिश होगी तो वो भर जाएगा, उसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, और वो अंडरपास यहाँ से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाता है, बाहर तो नहीं निकल रहा वो कहीं, उसका क्या समाधान है? और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ व्यापारी वर्ग है ये बाधित हो गया है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें थी वो बाधित हो गई हैं। सरकार नारा देती है विकास का, विकास देख लो भाई, यहाँ लोगों को मारने का काम सरकार कर रही है, नज़र बंद करने का काम सरकार कर रही है, जो हमारा रास्ता था वही बंद कर दिया। यहाँ कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, इन्होंने सिर्फ पैदल जाने का रास्ता मांगा है, 8-10 फुट का रास्ता नहीं मांगा, पैदल जाने का रास्ता मांगा। और बड़ा दुर्भाग्य ये है, यहाँ पर लोगों को लॉलीपॉप के नाम पर यहाँ एक इन्होंने चक्कर लगाया जिसमें से हम मतलब क्रॉस कर सकते हैं, जो पार्कों के ऊपर लगाया जाता है, अभी बाधित भी नहीं होगा और रास्ता भी बना रहेगा। पहले दिन तो लगा दिया, रात के अंधेरे में उसको फाड़ के ले गए, मतलब क्या साबित करना चाहती है सरकार? इनके पास कुछ नहीं है, सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर सिर्फ लोगों के ऊपर लठतंत्र बरसाया जाता है, यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसको लठतंत्र में सरकार ने बदल दिया। कोई भी चीज होगी, हर चीज को हमने धरना प्रदर्शन करके अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब सरकार नारा देती है बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेटियों के लिए हुई है। जो यहाँ से रास्ता था, बड़ी जल्दी हम मार्केट तक पहुँच जाते थे, जो अपनी आम सुविधाएं थी उनको यहाँ से जल्दी से प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ से बड़ी दूर से 1-1.5 किलोमीटर दूर से हमें जाना पड़ेगा। जो अंडरपास बनाया है उसमें एक्सीडेंटल जो वे है वो बहुत ज्यादा है, अपराधी घटना बताया जा रही जो बिल्कुल हाँ, क्योंकि वहाँ एक तो इतना सा रास्ता बना दिया, बीड़ा सा रास्ता हो गया, वहाँ से ऊपर से एंट्री करें जब वो नीचे आ रही तब भी एक्सीडेंटल है, बाहर निकल रहे हैं तब भी, और सबसे बड़ी वहाँ क्राइम की वारदात बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, रोशनी की कोई सुविधा नहीं है। तो हर चीज से यहाँ देखा जाए तो धरातल पर लोगों के लिए समस्याएं पैदा सरकार कर रही है, अपने आप नहीं हो रही। और सरकार को हम बताना चाहते हैं, जो समय आपको दिया उसमें आप इस जगह की सुध ले और रास्ता दे, ना तो आने वाले समय में ऐसा ना हो जो किसान आंदोलन पहले था वो यहाँ पर जन आंदोलन बनकर यहाँ अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके साथ संघर्षरत रहे। एक बड़ी समस्या है जी, जो सौ यात्रा यहाँ से लेकर जावे उसके लिए बड़ी समस्या है, यही तो हम बता रहे हैं। सरकार क्या चाहती है, हमें नजर बंद करके घर में ही मारना चाहती है, वो चाहती है बाहर ना निकले। जब हमें रास्ता ही नहीं मिलेगा, जब हमारे इनकम का कोई सोर्स ही नहीं होगा, तो हम कैसे यहाँ से अपने जीवन यापन को करेंगे? और बड़ा दुर्भाग्य है, जब हमारी शव यात्रा यहाँ से नहीं निकल सकती, हम अपने अंतिम जो शव हैं उनको यहाँ से अपने स्थान तक नहीं पहुँचा सकते, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सरकार के लिए एक अल्टीमेटम 20 दिन का, अगर सरकार मानती बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानती है तो यहाँ एक जन आंदोलन होगा। और इस सरकार को मैं ये भी बताना चाहूंगी, अब की बार तो बंद रास्ते पर धरना था, अगली बार यहाँ खुले रास्ते पर धरना होगा, जहाँ से बाधित होगा सब कुछ, सरकार पर असर पड़ेगा, उससे ये पता चलेगा उन्होंने ये जो रास्ता बंद किया उससे कितनी समस्याएं पैदा हुई हैं। हर एक समस्या का समाधान यहाँ भाईचारा मिलकर करता है और आगे भी करता रहे। विधायक जी के बयान पर क्या कहना चाहिए? विधायक जी कैसे बयान देते हैं, आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा यहाँ कोई विधायक नहीं है। एक बात बताऊं मैं आपको, ये तो जनता को थोड़ा सा पता नहीं है, जनता अगर जागरूक हो जाए तो जनता ही सरकार है, जनता के पास असल मुद्दे हैं, असल अधिकार हैं। जो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वो हमारी जनता के नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं, वो जनता के नौकर हैं। तो सरकार समझ जाए, जनता ही सरकार है, और जिस दिन जनता की सरकार जागेगी उस दिन जो कुर्सियों पर बैठी सरकार है वो रोड़ों पर मिलेगी। ठीक, क्या कुछ कहोगे जो आज का धरना प्रदर्शन? आज का मैं सबसे पहले तो मीडिया, जो प्रिंट मीडिया आई है काफ़ी संख्या में मौजूद थी, और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काफ़ी संख्या में मौजूद थी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उससे आगे हमारी जो खाप है, हमारे सतबीर जी हैं पहलवान साहब, जो इन्होंने टोल प्लाजा पे, हमारी कविता सरपत जी हैं जिन्होंने टोल प्लाजा पे एक साल काफ़ी विशाल धरने प्रदर्शन किए थे, और 3 कृषि काले कानून को लेकर किए थे, और सरकार को झुकाने का काम भी किया। तो व्यापार मंडल की जिम्मेवारियाँ लगी थी और इन्होंने लगाई थी, और व्यापार मंडल ने पूरा सहयोग किया था, और पूरा शहर बंद भी रहा था, लेकिन आज मुझे विश्वास हुआ है, जो हमारे प्रधान जी, आदरणीय प्रधान जी, खाप के प्रधान, जितने भी किसान यूनियन के पदाधिकारी भी हैं, उन लोगों को मैंने बुलाया था, आज ये प्रतिनिधि के रूप में आए, मैं प्रेस मीडिया को बताना चाहता हूँ, आगामी जो भी रणनीति बनेगी इनकी सहमति से, इनकी राय से, व्यापार मंडल
के ट्रेड यूनियन के प्रधानों से और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे और सामाजिक संस्थाएं उनसे एक राय बनेगी। एक हफ्ते में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोई भी रणनीति बन सकती है, मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ, चाहे शहर की बंद करने की हो, चाहे हमें गिराव करने की बात हो, चाहे विधायक का गिराव करने की बात हो, हम जो अगली रणनीति बनाएंगे थोड़ी ठोस रणनीति बनेगी। और मैं बताना चाहता हूँ उसमें हजारों व्यापारी होंगे और हजारों हमारे किसान भी होंगे और खाप के पदाधिकारी भी होंगे। इन्होंने खुली चुनौती दी है हमारी, जो सरपंच साहिबान है कविता जी, उन्होंने कहा है, हमारे पहलवान साहब हैं बहुत बड़े क्रांतिकारी, ये किसान के नेता भी हैं और खाप के नेता भी हैं। अगर इनका आशीर्वाद इनका सहयोग हमें मिल जाता है, एक नई मिसाल हम खड़े करेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे, ग्रामीण शहरी का एक भाईचारा बनाएंगे, किसान यूनियन व्यापारी मजदूर का एक भाईचारा बनाने का हम काम करें। काफ़ी लोग मजदूर भी दुखी हैं, आप देख रहे हो, रेडी वाले मजदूर हैं, जो साइकिल वाले हैं, जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास कोई साधन नहीं आता, जो पैदल जाना चाहते हैं, यहाँ कम से कम हजारों व्यक्ति पैदल निकलते थे और यहाँ सौ यात्रा की बात बार बार आ रही है। बेशर्म है विधायक, बेशर्म है प्रशासन, जिनको थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं है, थोड़ी बहुत शर्म नहीं है। अरे सौ यात्रा, विधायक जी से मैं बताना चाहता हूँ, एक सौ यात्रा के साथ यहाँ से निकल के दिखाओ, मैं मान जाऊँगा विधायक को। डीसी साहब मौके पर आए और रेलवे विभाग मौके पर आए, आपने पहल का रास्ता जो बंद कर दिया, कहाँ से हम निकले? ये अंडरपास है, आप देख रहे हो, रोज चोरी घटनाएँ, रोज दुर्घटनाएँ होती हैं, एक्सीडेंट होती हैं। ये जितना अंडरपास, ये फेलियर अंडरपास बनाया, ये जीता जागता उदाहरण है। ये प्रशासन की अनदेखी है, रेलवे विभाग की अनदेखी है, चुने प्रतिनिधि के क्यों नहीं चौकीदारा किया विधायक जी ने, क्यों नहीं इस अंडरपास को सीधा निकालने का काम किया, क्यों नहीं इस अंडरपास को यहाँ से हमेशा रेलवे फाटक के पास से अंडरपास निकलते हैं, ये नई योजना लेके आए जो शहर को बहुत बड़ी पीड़ा दी है। आज व्यापारी बर्बाद होने पर तुले हुए हैं, आप देख रहे हो, यहाँ रोजगार छिन गया, व्यापारी के पेट पे लात लगी, हजारों हजारों जो कर्मचारी रहते थे दुकानों पे, छत से लोग रहते थे, उन युवाओं पे रोजगार के पेट पे लात लगी। अरे इतना हंदापन कहाँ सो गए विधायक जी? और विधायक जी ने शर्म आनी चाहिए। विधायक जी कह रहे हैं भी आप राजनीति कर रहे हैं, हमने विधायक जी के पाड़े में गेंद फेंक की थी, हमारे खाप के प्रधान भी आए हैं, मैंने इनको बताया था, माँ जी आज तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना और अगली रणनीति जो बनेगी वो तो आक्रोश की बनेगी। इन्होंने प्लेटफार्म जो मंच लिया था, उन्होंने विधायक को ये भी कहा था, विधायक जी आपने आना चाहिए था, जब व्यापार मंडल ने बनाया, शहरवासियों ने बनाया और ग्रामीण वासियों ने बनाया, सारे लोग इकट्ठे थे, आपने उनका निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था। आज विधायक जी आते, हरियाणा सरकार तक बात पहुँचती। लेकिन मैं एक बात हमारी मैडम ने कही है, विधायक कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये जनता सबसे बड़ी शक्ति है, ये विधायक है, हम तो चुन के भेजते हैं, अगर कोई शक्तिमान है तो आम जनता है। विधायक ने इस बात को भूल जाना चाहिए, आने वाला 2024 का चुनाव है, इस फाटक पर ही चुनाव होगा। अगर 2024 तक हमारा ये कार्य करके नहीं दिखाया, फिर देखना ये विधायक कैसे जीतेगा, फिर देखेंगे ये सांसद कैसे जीतेगा। ये वोट मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे और घर घर जाएंगे, पैर पकड़ेंगे। और मैं विधायक को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप में निष्ठा ईमानदारी है, आप काम करना जानते हो, काम कर सकते हो, लेकिन आप काम करने के लायक नहीं हो, मैं बताना चाहता हूँ। आपको जब टेची भर के मिलती है कमीशन की, आप उसमें मस्त हो गए हो, आपने सत्ता का मजा लेना शुरू कर दिया है, आप जिम्मेवारी निभा रहे, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करे। अरे विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कुंभकर्ण की नींद को सोए हुए, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे? आपकी जिम्मेवारी थी और ये लोग धरने पे बैठे थे, आपने बताना चाहिए था कब से मैं काम शुरू करा रहा हूँ। यही कह, ये भ्रमित कर रहे हो, कराएंगे कराएंगे, कब कराएंगे? आप तारीख तो बताओ, आपके बस की बात नहीं, एक खाप आपके बीच में आ गई है, ये जाएगी, ये कराएगी, इनके दबाव से बनेगा, जनता के आंदोलन से काम बनेगा और सरकार का झुकाने का भी काम करेंगे, विधायक को झुकाने का भी काम करेंगे। अगर आप सरे लेना था तो अब से पहले आप सरे ले सकते हो, छः महीने हो गए आप बकाने का काम कर रहे हो, अब यह फार्मूला बर्दाश्त नहीं करेगा। काफ़ी व्यापारी लोग आए, इस व्यापारियों का भी मुद्दा है, शहरवासियों का मुद्दा है, ग्रामीणों का मुद्दा है, खाप हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका भी मुद्दा है, ये जन आंदोलन बन गया। हमारी बहन ने कहा बिल्कुल जन आंदोलन बनेगा, हमारे यहाँ हजारों हजारों की संख्या में अगली रणनीति बनेगी, मैं बताना चाहता हूँ। एट लास्ट में जो धरना हुआ है कितना सफल रहा और आने वाले समय में सरकार को क्या चेतावनी? हमने धरना बिल्कुल सफल होया, कम से कम हमारी मातृशक्ति भी यहाँ आई थी और हमारे धार्मिक जो पदाधिकारी है वो भी आए थे, व्यापार मंडल के जो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी वो भी आए थे
और ये धरना एक विशाल धरना बन के रह गया। धरने पे जो भीड़ थी, लोगों में आक्रोश था और लोग ये कह रहे थे प्रधान जी आज ये फाटक रोक दो, लेकिन हम मर्यादा में रहना चाहते हैं, लोकतंत्र में मर्यादा के तहत हम आंदोलन करते हैं। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को, जिंद प्रशासन को, अगला कदम हमारा आक्रोश का होगा। अगर कोई भी इसमें शरारती तत्व घुसेगा वो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, विधायक की जिम्मेवारी होगी, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी। अब हम चुप बैठने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं। चाहे इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, जितने मुकदमे बनाने हरियाणा सरकार ने, जिंद प्रशासन ने बना दे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरने वाले नहीं। धन्यवाद।